आज का जो मुकाबला वो है अबुधाबी नाइट राइडर्स और का बिल्कुल और, और हमने क्या देखा आज के मुकाबले में बल्कि आप देख सकते हैं ये रहे प्लेइंग इलेवेंस और प्लेइंग इलेवेंस की अगर बात करें तो अबुधाबी नाइट राइडर्स लुकिंग फॉर दैट फर्स्ट एवर विक्ट्री इन दिस टूर्नामेंट एम आई जो है दो मैच में से दोनों जीत चुके थे तो उन्हें ज्यादा टिंकरिंग नहीं करना था अपने लाइनअप के साथ अबुधाबी नाइट राइडर्स को कुछ नया जरूर लाना था एक जोश लाना था इस पारी में बिल्कुल और देखिए दोनों टीमें और पहले अबुदाबी नाइट राइडर्स ने बल्लेबाजी की 170 बनाया सात विकेट के नुकसान पर धनंजय डिसलवा ने बनाया पैंसठ चालीस गेंदों में अच्छी साझेदारी की उन्होंने असलंका के साथ और फिर कप्तान नरीन के साथ और अंत में जाकर यह पारी सिमटी दो एक सौ सात विकेट के नुकसान पर तेईस अतिरिक्त रनों के साथ बीस ओवरों में बनाया एक सात विकेट के नुकसान पर धनंजय डिसलवा ने पैंसठ बनाया चालीस गेंदों में और उनकी वैगन व्हील पर नज़र डालें तो आठ चौके और दो छक्के लगाए उन्होंने दोनों तरफ बराबर रन बनाए दोनों ओवर मैदान पर और इसी के बदौलत आज अबूधाबी नाइट राइडर्स एक मजबूत स्कोर खड़ा कर पाया 170 रनों की एक नज़र गेंदबाजी पर भी देते हैं जो गेंदबाजी हुई Uh, यहाँ पर फजल फारूकी ने अच्छी गेंदबाजी की अच्छी गेंदबाजी की थी सोलह डॉट बॉल डाले कुल मिलाकर दो विकेट लिए सत्ताईस उनके मतलब बोल्ट और फरूकी के आठ ओवर में कुल मिलाकर पचास रन और तीन विकेट तीन विकेट ट्वेंटी नाइन डॉट बॉल्स आई थिंक दैट वाज रियली क्रूशल सहूर खान का भी एक अच्छा योगदान था और फिर अगर आप बाकी के गेंदबाजों को देखें तो ज़रूर रन थोड़े पड़े मगर वो जो टॉप तीन गेंदबाज है उनके बदौलत जो है एक एम आई एमरिट्स ने रोक के रखा थोड़ा सा अबू धाबी नाइट राइडर्स को क्योंकि ये पिच ऐसा है मुझे लगता है 180 190 बन सकते थे बिल्कुल और जवाब में एम आई एमरिट्स ने जिनको एक रनों की दरकार थी एम आई एमरिट्स को किस तरह से जवाब दिया उस पर भी एक नज़र डालते हैं एम आई एमरिट्स ने अपनी बल्लेबाजी के साथ जब वो आए मैदान में तो शुरुआत में उनको दो झटके लगे विल स्मीड और मोहम्मद वसीम जल्दी आउट हो गए फिर उसके बाद पारी संभली आंद्रे फ्लेचर ने तेरेपन बनाया तैंतालीस गेंदों में निकलस पूरन ने बीस बनाया और फिर उसके बाद कप्तान कायरन पोलार्ड नजीबुल्ला जादरान ने मिलकर पारी को और आगे लेके गए और उसी के बदौलत 20 ओवर के अंत में जाकर आखिरी ओवर में 25 रन बनाए और यह मुकाबला जीता उन्होंने 176 बनाया पांच विकेट के नुकसान पर और बहुत बढ़िया तरीके से जीते आंद्रे फ्लेचर ने तैंतालीस गेंदों में तिरपन बनाया चार चौके और एक छक्का लगाया इन्होंने भी दोनों तरफ बराबर रन बनाए और इनकी पारी एकदम समझदारी भरी पारी थी इन्होंने पारी को पूरी तरह से संभाल के रखा उसी के बदौलत आज एम आई एमरेट्स इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हुआ पर उसमें कामयाबी में एम आई एमरेट्स की कामयाबी में कोई लचर गेंदबाजी की भी बहुत बड़ी एक, 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 एक हाथ था और देखिए मैच की समरी पर एक नजर डालते हैं 170 बनाया सात विकेट के नुकसान पर अबुधाबी नाइट राइडर्स ने एम आई की तरफ से आपको लग रहा है कि आंद्रे फ्लेचर के अलावा बाकी पारियां भी बहुत इंपॉर्टेंट थी जी हाँ और वही कॉन्ट्रीब्यूशन एक टीम एफर्ट नज़र आया क्योंकि सब ने अपना योगदान दिया पोलार्ड ने नजीबुल्ला जदरान ने खास करके और अगर गेंदबाजी की तरफ नज़र डाले ना अबूदाबी नाइट राइडर्स की नेहरू कुमार ने ज़रूर एक अच्छा ओवर डाला और जिसके एक बदौलत वो वापस आए थे और एंड्रे रसल ने जो अंत में रन गया उसके वजह से जो है वो फिगर्स स्पॉइल हुए मगर स्पिनर्स ने अच्छा योगदान किया वहाँ हुसैन और नारायण ने और कुल मिलाकर 52 टू रन दे गए एंड दो विकेट लिए थे मगर नॉट इनफ ऑन द डे और वो जो हार का सामना है उनको वापस करना पड़ा पॉइंट टेबल की तरफ नजर डाल लेंगे और क्योंकि अबूधाबी नाइट राइडर्स राइट राएड देयर एट द दे बॉटम पांच मैच में पांच बार वो हार चुके हैं और डेजर्ट वाइपर्स गल्फ जॉइस एम आई तीन में से तीन रिस्पेक्टिवली uh, जीत छे, चुके छे, जी मगर छे, छे, छे। मैं वापस एक बार कह रहा हूं आपसे जिन टीमों के नामों के नामों साथ शहर जुड़े हैं वो दिक्कत में हैं जिन टीमों के साथ शहरों के नाम नहीं जुड़े हैं वो दिक्कत में नहीं है तो ये एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा मेरे ख्याल से आगे जाके इस टूर्नामेंट में जी और अभी यही अगर उसकी बात करें तो आप यही चाहेंगे कि जो बाकी के टीम है वो थोड़े से जीत दर्ज करे ताकि टेबल थोड़ा ओपन अप हो जाए बिल्कुल 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 आ, ये था आंखों का इस आ, आ, मैच का जो अभी अभी समाप्त हुआ है एम आई एमिरेट्स बनाम अबुदाबी नाइट राइडर्स